नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आप सबके चैनल एमडी सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन की एक बेसिक प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रही है, यानी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या कोई ना कोई एरर शो कर रहा होगा। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ्रेंस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने जस्ट पिक्सल 2 के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी और उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला था। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने उसकी एक क्लिप भी ली थी जिसमें मेरे सामने मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करने की कोशिश कर रहा था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वीडियो जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ बट वो कॉल लग नहीं रही है। दोस्तों, उसमें एरर आ रहा है, अनेबल टू कॉन्फ्रेंस कॉल। तो यही सॉल्यूशन मैंने निकाला था और मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मुझे लगा कि ये हर मोबाइल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो रिसर्च करे, नेट पे भी काफ़ी सारा देखा, तो वहाँ पे मुझे यही मिला कि जो ये प्रॉब्लम है ये हर एक मोबाइल की है और हमें अलग अलग मोबाइलों में अलग अलग जगह पे हम इसे ढूंढते हैं, बस इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज मैं इसी वीडियो के बारे में बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आ सकूं। 100% शॉर्ट के साथ मैं वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं होता दोस्तों तो मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो दो स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस दो स्टेप से दोस्तों आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल से रिलेटेड है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है तो आपको करना क्या होगा। आप सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सेटिंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं दोस्तों, 80% केसेस में आपके मोबाइल फ़ोन का कोई फॉल्ट नहीं होता है, ना भी आपके मोबाइल फ़ोन की कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो जब मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं होती तो किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, चाहे आपका गूगल पिक्सल का फ़ोन हो, एम आई का फ़ोन हो, लेनवो का फ़ोन हो या फिर सैमसंग का हो, सभी फ़ोनों के अंदर जो इश्यू होता है वो सेम होगा कॉन्फ्रेंस कॉल का। आपको सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आपके जो कॉन्टेक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी जो एयरटेल की सिम आपने ले रखी है या फिर आपने मान लीजिए जो अपने वोडाफोन की सिम ले रखी है या फिर मान लीजिए कोई आइडिया या फिर किसी दूसरे नेटवर्क की सिम ले रखी हो, आप वहाँ पे बात करिए। क्योंकि वो क्या करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे जब आप सिम परचेस करते हैं कोई नई, अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल को डीएक्टिवेट करके रखते हैं। उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक बार कॉल करनी होती है, वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं रहता है कंपनी की तरफ से, तो इस केसेस में आपको एक्टिवेट करवाने के लिए वहाँ कॉल करना होगा। तो 100% 80% केसेस में मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गूगल पिक्सल 2 के अंदर जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन था वो यही हुआ था दोस्तों कि मैंने गूगल के अंदर कॉल किया था। अगर आपका गूगल पिक्सल 2 है और आप गूगल में कॉल करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे केवल आपको बेसिक स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो ये चीज़ भी बताते हैं कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करिए। तो सबसे पहले आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लीजिए, जो एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को आप यूज में लेते हैं, किसी का भी नेट यूज में लेते हैं, उनसे बात करिए। वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे और वहाँ पर वो उसे एक्टिव कर देंगे। वहाँ से आपको इसे एक्टिव करवाना होगा आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल को। अगर आपके वहाँ पे एक्टिव है फिर भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो ये केवल 20% चांस होते हैं जब ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपका एमआई का फ़ोन है, गूगल का फ़ोन है, तो आपको गूगल के फ़ोन के अंदर दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पिक्सल के फ़ोन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसमें क्या होता है, आपके स्क्रीन को कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ से आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देते हैं। तो आप गूगल पिक्सल में कॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं, उस पर कॉल कर लीजिए। यहाँ पे इन नंबर पे कॉल करते ही आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा जो कि आपकी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा। अगर नहीं हो पाई प्रॉब्लम सॉल्व तो वो आपको डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा, जिसमें एक बंदा आएगा और वो आपके मोबाइल को सही करके जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला, यानी गूगल पिक्सल का फ़ोन। हम बात करते हैं एमआई की, लेनवो की। दोस्तों, एमआई और लेनवो में अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो आपको यही बोलेंगे कि जाइए और पास के नज़दीकी जो भी आपका एमआई का स्टोर है वहाँ पे विजिट करिए और सही करवाइए। तो दोस्तों ये इसमें आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपका एमआई लेनवो का फ़ोन है तो सिंपल सी आप सेटिंग करिए। अगर पहले कॉल होती थी कॉन्फ्रेंस और अब नहीं हो रही है दोस्तों, तो इस केसेस में सिंपल सा आपकी जो सेटिंग्स होती है उसमें कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं अपडेट होने के कारण। इसलिए आप करिए क्या, आप अपने सेटिंग में जाकर
वहाँ से आपकी ये कोई व्हाट्सअप की प्रॉब्लम नहीं है या फिर किसी भी तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युअली आपके फ़ोन्स की प्रॉब्लम है, जो फ़ोन सेटिंग्स होती है उसकी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, आपको नॉर्मली आपके फ़ोन वाले उसमें जाना होता है, जहाँ पे आपके सेटिंग्स होती है वहाँ एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर आता है, यानी वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से अपने फ़ोन वाले को स्टॉप कर दीजिए, माने फ़ोन का ऑप्शन आता है वहाँ पे, वो अनइंस्टॉल नहीं होता है, उसे आप स्टॉप कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस वीडियो पे जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसे स्टॉप कर देंगे, उसके बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेंगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों तो बढ़िया है, अगर नहीं होती है दोस्तों इस केसेस में आप अपना ये डेटा है वो सेव कर लीजिए एंड अपने फ़ोन को फॉरवर्ड मार दीजिए, क्योंकि यही सॉल्यूशन होगा अगर आपका एमआई या फिर लैंडमार्क का फ़ोन है। गूगल पिक्सल में ऐसा कुछ नहीं होगा, गूगल पिक्सल के फ़ोन को नॉर्मली फर्स्ट टाइप में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं होता तो आप गूगल पिक्सल पर कॉल कर लीजिए, वहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपका सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेटिंग पे जाकर कुछ छेड़ते हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला आपको कि जहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ से आपका इसका कॉन्फ्रेंस कॉल का सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। ये केवल प्रॉब्लम होती है अपडेट्स की, यानी कोई बग्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में आपने सिस्टम को अगर अपडेट मार सकते हैं, यानी अपने फ़ोन को अगर अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, वरना फॉरवर्ड मारने पर 100% दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी किसी भी तरह के वीडियो अगर देख भी लेंगे दोस्तों, तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन होना नहीं होना मेरे को पता है दोस्तों, सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है केवल कॉल सेटिंग के अलावा। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिल सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वहाँ से आपका सॉल्यूशन हो पाए कॉन्फ्रेंस कॉल का। केवल इसी रूल को फॉलो करिए, फोन फॉर्मेट करिए, अगर नहीं कर सकते कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मली अपनी कॉल सेटिंग पे जाइए, सेटिंग्स पे जाकर वहाँ से फोर्स टू स्टॉप कर दीजिए अपनी एप्लीकेशंस को, जो आपको मिल जाएगी, और वहाँ से भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, जो आपने वीडियो में भी देखा है दोस्तों। तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका कोई स्पेसिफिक फ़ोन है उसमें कोई अलग तरह की एरर आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों।